किसी भी गाने का उसकी लिखावट बड़ी बहुत अहम रोल अदा करती है, लोगों के जुबान में चढ़ जाता है। गाया और पिक्चराइज किया आपको सेकेंड में, बहुत इनिशियल स्टेज पे। हाँ, सबसे पहले यही होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? व्हाट इज द ब्रीफ, ब्रीफ बिहाइंड दिस सॉन्ग और एवरी टाइम? सी सर, ये कुछ गाने होते हैं जो इंसान ना खुद के लिए बनाता है, उस पर ना किसी लेबल का प्रेशर रहता है, ना किसी डायरेक्टर का कुछ इंटरफेयर रहता है। क्योंकि ये गाना जैसे लिखते वक्त ही मैंने कंपोज़ किया था, लिख रहा था, कंपोज़ हो रहा था गाना, तो ये चीज़ अपने लिए बनाई है, अपने लेबल से रिलीज़ हुआ है, तो उसमें कहीं ये गुंजाइश मेरे पास में कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता है कि मैं ये बोलूँ कि नहीं यार इन्होंने ऐसा करा दिया, इन्होंने ऐसा करा दिया, इट्स माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने अपना 100% इस गाने में दिया है, और जो चाहता हूँ कि ऐसा काम मुझे करना है, या ऐसा काम मैं हमेशा से करना चाहता हूँ कि जिसमें सिर्फ मैं अपने मन का काम करूँ, जिसमें मुझे पूरी फ्रीडम हो, तो ये गाना कुछ वैसा गाना है कि ये शुरू से लेके लास्ट तक का जो उसका स्ट्रक्चर देख लो, कुछ भी इस गाने में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारा पूरा अपने मन से, अपने दिल से जो बनाया हुआ है वो चीज़ है। तो वो लगता भी है जब गाना आप सुनते हो, तो उसमें एक फ्रेशनेस होती है, एक इम्परफेक्शन है कहीं ना कहीं, एक परफेक्शन है कहीं, तो वो सब कुछ मिला के एक कच्चा सा सच्चा गाना बनाता है। उसके ऊपर फिर जो सिंगर्स हैं हमारे, शिप्रा है, मधुर है, दोनों की वॉइस इतनी अच्छी, मतलब जा रही है गाने के साथ में, गाने को एक अलग ही फील मिल जाता है। इंडस्ट्री में अच्छा वक्त गुजार चुके हैं और आप, मुझे आपकी बातों से ऐसा एहसास होता है कि दखल अंदाजी पसंद नहीं है जब कुछ आप करते हैं, लिखते हैं। ये एक इंटेंशनल एफर्ट थी कि यार बहुत लोगों के डायरेक्शन पे काम कर दिया कि यार इसको थोड़ा सा ऊपर करिए या इसको थोड़ा सा नीचे करिए या ये लिखिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जितना फ्लेक्सिबल हूँ, जैसे आप, मेरा कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी कंपोजर हो, वो सब जानते हैं, वो मुझे एक ऑप्शन मांगते हैं, मैं उनको लाइन लगा देता हूँ। वो मुझे कितनी बार भी अगर कोई चेंज करता तो मैं बहुत इजीली करता हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैसा ही गाना था सुबह से शाम, जिसमें मुझे लगता है कि ये परफेक्ट गाना है, इसमें कुछ भी छेड़ना नहीं चाहिए। आपके अपने कुछ निजी तजुर्बे भी रहे हैं, बहुत मेरे को लगता है बहुत दिल से करा हुआ है यार। मैंने सुना अभी और बड़ा बहुत, और वो जिस तरह से पिक्चराइज हुआ, बड़ी अच्छी फीलिंग देता है, कानों में रस घुलता है आपको कि आप शाम के वक्त हल्की सी मध्यम से लाइटों में बैठे हुए हैं। हां, बहुत सुकून है। प्लीज टेल अस आप कितना रिलेट करते हैं और आपकी निजी जिंदगी कितना दखल रहा है? यार देखिए, मैं राइटर, देखो क्या होता है कि राइटर इमोशनल हो ना हो ये लोग पूछते रहते हैं, बट राइटर, अगर बंदा इमोशनल है तो वो राइटर बनता है। अगर वो इमोशंस को अच्छे से, जिस तरह से दुनिया नहीं देखती है चीज़ों को, वैसे एक राइटर देखता है, तो उसी अंदाज से मैं भी चीज़ों को देखता हूँ। जैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी इत्तेफाक को, किसी भी इंसिडेंट्स को, किसी भी इंसान को, जैसे मेरे लिए तो ये पानी की रखी हुई बॉटल भी मेरे लिए तो, अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं तो इसमें भी जान डाल दूंगा, हमारा काम वैसा है। तो अभी जैसे ख्याल ये होता है कि उस दिन मैं सुबह सुबह उठा था, और उठते पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, बस मेरा मन किया, मैंने गिटार उठाया और गाना शुरू किया, तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन आ गई थी कि लिया जो मैंने तेरा नाम हुई सुबह से शाम। तो फिर मैं इसमें मतलब ढूंढने लगा इसका, कि ये टेक्निकली तो वैसे देखा जाए तो गलत है कि लिया जो मैंने तेरा नाम हुई सुबह से शाम, बट इसमें अब आप इसको नरेट इस तरह से करते हो, उसमें पता चलता है कि यार तेरा नाम लेते लेते मेरी सुबह से शाम हो जाती है, मतलब एक बहाना है तू मेरे जबान से एक मिनट के लिए भी नहीं जाता। कौन टारगेटेड ऑडियंस है आपकी? मुझे लगता है कि सभी को पसंद आएगा, लेकिन फिर भी टारगेटेड ऑडियंस मुझे लगता है कि यंगस्टर के बीच में बड़ा पसंद करा जाएगा। देखो, अगर आप इस गाने को देखो, यंगस्टर्स को तो सोच के बनाया हुआ गाना है, बट आप इसकी राइटिंग अगर देखोगे तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेच्योर हो जाती है। अब जैसे शुरू होता है गाना, लिया जो मैंने तेरा नाम हुई सुबह से शाम, तो यंगस्टर्स को बहुत अपील करेगा गाना, ठीक है। एंड में जाते जाते फिर वो एक गाने में कोड़ा बनाया हुआ है कि लोग के सारे छट जाने वो सारा, तो वो हाँ एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट रहता है। तो उस टीनेजर्स के बाद ये गाना सीधा पहुंच जाता है कि वो लोग जो शादी कर रहे हैं, वो लोग जो साथ जीना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो लंबी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, क्योंकि इसमें एक वो बात भी होती है कि जब मरना हो तो भी तेरे साथ ही मरना है, तो ऐसा है कि वो पूरा कंक्लूजन इतना बड़ा है कि वो ऑडियंस मासी हो जाती है गाने। वो किसका है? वो भी आपका आइडिया था, क्योंकि वो बीच में वो फोक डाल देना, लोग की छट जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये एक्सपीरियंस मान सकते हो आप इसको, क्योंकि हम फिल्म्स के इतने गाने करते हैं, इतना म्यूजिक कर चुके हैं,
300-350 गाने रिलीज कर चुका हूँ, तो मुझे वो एक एक्सपीरियंस मैंने सीखा है जहाँ जहाँ भी जिनके साथ काम किया कि गाने को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। एक प्रोग्रेसिव गाना होना चाहिए कि आपका, अब इस गाने में आपको अलग अलग तीन मुखड़ा अलग कंपोज किया हुआ, अंतरा अलग ही धुन मिलेगी और आउटरो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, तो वो एक आजकल लोग क्या जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको प्रोग्रेशन चाहिए हर चीज़ में, तो ये वैसा ही पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। म्यूजिक वीडियो में मैंने कहा प्रतीक शेषपाल ने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा काम किया, बहुत क्या अच्छा कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आपसे कोई ऐसे बेवजह प्यार नहीं करता है, अगर उनसे कोई इतना प्यार करती है पब्लिक, उनसे इतना लगाव है लोगों को, तो उसका मतलब है कि उनमें हमसे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खास बात कोई ना कोई ऐसी होगी कि लोग इतना प्यार करते हैं। दूसरी बात है कि वो मुझे लगे कि वो इज़ वेरी प्रोफेशनल, मतलब काम को लेके बहुत अपने सीरियस रहते हैं, फालतू बैठे ना बैठे लेकिन अगर जहाँ काम है वहाँ 2 की बजाय 5 घंटे भी लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, मैंने ये देखा है, तो बहुत सीरियस आर्टिस्ट है। थैंक यू सर।